नमस्कार दोस्तों, जब भी हम हर्षद मेहता का नाम सुनते हैं तो उसके द्वारा किया गया इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम हमें याद आता है। उसने यह स्कैम कैसे किया, इस स्कैम को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, प्राइवेट कंपनियां और गवर्नमेंट बॉडीज ने हर्षद मेहता की हेल्प की, फिर कैसे इस स्कैम का पर्दाफाश हुआ, इन सब बातों को इस एक ही वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को फोकस करके जरूर देखना, जिससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, स्टार्ट करते हैं। यह बात है 1954 की, जब राजकोट गुजरात की एक जैन फैमिली में हर्षद मेहता का जन्म होता है। उनका बचपन बोरीवली मुंबई में बीता। उनके फादर का टेक्सटाइल का बिजनेस था, जिनका नाम शांतिलाल मेहता था। हर्षद ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन जनता पब्लिक स्कूल से की, फिर उसने 1976 में लाला लाजपतराय कॉलेज मुंबई से बीकॉम की डिग्री हासिल की। फिर अगले कुछ महीनों तक उसने अलग अलग सेक्टर में जॉब की, जैसे होजरी, सीमेंट, डायमंड सेक्टर में। उनको क्रिकेट का भी बहुत शौक था। फिर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी मुंबई में एक सेल्स पर्सन के रूप में की। इसी पीरियड में हर्षद मेहता का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में भी बढ़ने लगा। फिर उन्होंने कुछ दिनों के बाद इंश्योरेंस कंपनी भी छोड़ दी और अब उन्होंने मिस्टर जे एल शाह और नंदलाल शेठ के पास स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम किया। फिर 1980 में हर्षद ने एक ब्रोकरेज फर्म जिसका नाम हरजीवन दास नेमी दास सिक्योरिटीज था, वहाँ पर ब्रोकर प्रसन्न प्राण जीवन दास के अंडर में एक जॉबर के रूप में काम किया, जिसे वो अपना गुरु मानते थे। 1984 में हर्षद ने अपने भाई के साथ मिलकर ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की और बीएससी के ब्रोकर बन गए। फिर ब्रोकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। बस यहीं से उनकी स्टॉक मार्केट स्कैम की शुरुआत होती है। हर्षद मेहता ने अपने स्कैम में आरएफ डील यानी कि रेडी फॉरवर्ड डील को यूज में लिया था। इस डील में एक बैंक दूसरी बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले में शॉर्ट टर्म लोन देती थी और ब्रोकर्स दोनों बैंकों के बीच में मीडिएटर यानी कि दलाल का काम करते थे। ब्रोकर्स का यही काम था कि जिन बैंक्स को सिक्योरिटी खरीदनी है उनके लिए सेलर्स को खोजना और जिन बैंक्स को सिक्योरिटी बेचनी है उनके लिए बायर्स को खोजना। हर्षद मेहता भी एक ब्रोकर था और वो भी बैंक्स के बीच में एक मीडिएटर का काम करता था। अब हम पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को समझ लेते हैं। जब गवर्नमेंट अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के एक्सपेंसेस कवर करने के लिए जो सिक्योरिटी इशू करती है उसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसके थ्रू गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए पैसा उठाती है और उन पैसों के बदले में गवर्नमेंट उन सारे इन्वेस्टर्स को कुछ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देती है। उस समय सारी बैंक्स को इन सिक्योरिटीज में एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करना कंपलसरी कर दिया था। जब किसी बैंक को पैसों की जरूरत पड़ती तो वो बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को दूसरी बैंक को बेच देती थी और उनसे शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लेती थी। फिर कुछ दिनों के बाद फाइनल किए हुए इंटरेस्ट के साथ सारा पैसा रिफंड करके अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस ले लेती थी। आरएफ डील में कुछ कमियां भी थी, जिसके द्वारा इलीगल यानी कि गैर कानूनी तरीके से पैसा बनाया जा सकता था और यह बात हर्षद अच्छे से जानता था। फिर हर्षद ने उन्हीं कमियों को यूज में लेकर बिग स्कैम का जाल बिछाया और छप्पर फाड़ कर पैसे कमाए। ऐसा कैसे हुआ, चलो देखते हैं। मान लीजिए चार बैंक्स हैं, ए, बी, सी और डी। जब बैंक ए अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचना चाहती थी तब हर्षद बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लेता था और उससे बायर खोजने के लिए कुछ दिनों के लिए टाइम मांग लेता था और फिर बैंक बी जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है उससे सिक्योरिटी के पैसे ले लेता था और सेलर खोज कर सिक्योरिटी लाकर देने के लिए बैंक बी से भी कुछ दिनों के लिए टाइम मांग लेता था। इस तरह हर्षद ने बैंक ए से ली हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बैंक बी से लिए हुए पैसे दोनों ही कुछ दिनों तक अपने पास होल्ड रख लेता था। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी बैंक डायरेक्ट ब्रोकर के नाम से अपना चेक इशू नहीं कर सकती थी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने वाली बैंक को अपना चेक डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचने वाली बैंक के नाम इशू करना था, लेकिन इस केस में चेक ब्रोकर हर्षद मेहता के नाम इशू किया जाता था, जो कि गलत था। बहुत सारी बैंकों को पता ही नहीं होता था कि वो किस बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, क्योंकि बैंक्स डायरेक्ट हर्षद के साथ डील करती थी। इसलिए हर्षद भी सभी बैंकों को अपने नाम से चेक इशू करने के लिए बोलता था। उन दिनों हर्षद मेहता का मार्केट में अच्छा नाम था, अच्छी पहचान थी, लेकिन उसने इस भरोसे का गलत फायदा उठाया। उसने बैंक से मिला हुआ सारा पैसा स्टॉक मार्केट में प्राइसेस को बढ़ाने के लिए यानी कि स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए यूज में लिया था। कुछ दिनों के बाद बैंक ए जब हर्षद से अपनी बेची हुई सिक्योरिटी का पैसा मांगती थी तब हर्षद कोई और बैंक खोज लेता था।
जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी है। मान लीजिए बैंक सी को भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी है, तब हर्षद उसके पास जाकर उससे पैसे ले लेता था और उनको सिक्योरिटी लाकर देने के लिए कुछ दिनों का टाइम मांग लेता था और बैंक ए के पास जाकर उन्हें अपनी सिक्योरिटी का पैसा दे देता था। फिर बैंक बी और सी की डील्स पूरी करने के लिए हर्षद दूसरी बैंकों के साथ भी इसी तरह की डील्स करता था। हर्षद बहुत सारी बैंकों के लिए एक ब्रोकर का काम करता था और इसी टाइप की डील्स करता रहता था ताकि हमेशा उसके हाथों में अच्छा खासा पैसा होल्ड रहे। इस तरह हर्षद ने आरएफ डील का उपयोग एक चेन सिस्टम के रूप में किया। जब कोई बैंक दूसरी बैंक को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचती थी तो वो बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने वाली बैंक को एक्चुअल में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं देती थी बल्कि एक रिसिप्ट देती थी जिसे बीआर यानी कि बैंक रिसिप्ट बोलते हैं और उस बैंक रिसिप्ट से यह कंफर्म होता था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल हो गई है। साथ में सिक्योरिटीज बेचने वाली बैंक को इसके पैसे भी मिल गए हैं। जब हर्षद को शेयर्स की प्राइसेस बढ़ाने के लिए और स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी तब हर्षद ने अपना यह स्कैम एक स्टेप और आगे बढ़ाया। इस बार तो हर्षद ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने कुछ बैंक्स की हेल्प लेकर फेक यानी कि नकली बीआर बनाई और उसे यूज में लेना स्टार्ट कर दिया। अब जिन बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी होती उन बैंक्स को हर्षद फेक बीआर देता था और बैंक्स हर्षद को यह समझकर पैसा दे देती थी कि बीआर ओरिजिनल है और उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिल गई है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिर बाद में हर्षद उन पैसों को स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए यूज में लेता था। यह फंड करोड़ों रुपए का होता था। हर्षद उन पैसों को यूज में लेकर कई स्टॉक्स को बहुत हाई लेवल तक पहुंचा दिए थे। उसने एसीसी का स्टॉक तो कुछ ही महीनों में 200 रुपए से भगाकर 9000 रुपए तक पहुंचा दिया था। बैंक से मिलने वाला पैसा हर्षद हेवीली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता गया जिससे शेयर्स की प्राइसेस बढ़ने लगी और स्टॉक मार्केट में बैंकर तेजी आ गई। तेजी का माहौल देखकर पब्लिक भी स्टॉक मार्केट में आने लगी। तब हर्षद अपने शेयर्स को बेचकर छप्पर फाड़ कर प्रॉफिट कमा लेता था। फिर बैंक्स को उनके पैसे रिटर्न करके उनसे अपनी फेक बीआर वापस ले लेता था और यह सिलसिला तब तक चल रहा था जब तक स्टॉक मार्केट में तेजी थी। लेकिन जब स्टॉक मार्केट में बीयर रन स्टार्ट हुआ और अब हर्षद मेहता की हालत खराब होने लगी, उसका किया हुआ स्कैम उसके ऊपर ही भारी पड़ने लगा। दोस्तों आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। अब मार्केट में गिरावट होने लगी और शेयर्स की प्राइसेस कंटिन्यू नीचे गिरने लगी और हर्षद को अच्छा खासा लॉस होने लगा, जिसके कारण हर्षद बैंक्स को टाइम पर उनका पैसा रिफंड नहीं कर पाया। तब उसके बाद में फाइनली 23 अप्रैल 1992 को जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में हर्षद के कारनामों का पर्दाफाश किया और हर्षद मेहता स्कैम को एक्सपोज किया। तब सारी बैंकों को पता चला कि हर्षद की दी हुई बीआर तो फेक है जिनकी कुछ वैल्यू ही नहीं है और उसके बदले में हर्षद ने उनसे करोड़ों रुपए लिए थे। उस समय सारे बैंकिंग सिस्टम को अप्रोक्सीमेट 4000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था जो कि उस वक्त बहुत बड़ा अमाउंट था। जब यह स्कैम एक्सपोज हुआ था तब स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया था। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को भारी लॉस का सामना करना पड़ा। विजय बैंक के चेयरमैन जिन्होंने हर्षद के नाम चेक इशू किए थे उन्होंने यह स्कैम एक्सपोज होते ही सुसाइड कर लिया था। यह स्कैम एक्सपोज होने से पहले किसी को भी हर्षद की स्कैम की टेक्निक पकड़ में नहीं आई थी, शायद इसीलिए मीडिया वाले उसको स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन बोलते थे। फिर 9 नवंबर 1992 को सीबीआई ने हर्षद मेहता को अरेस्ट कर लिया था। हर्षद मेहता पर 600 सिविल एक्शन सूट्स और 70 क्रिमिनल केसेस के चार्जेस थे। फिर सेबी ने भी हर्षद मेहता को हमेशा के लिए स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया गया। हर्षद मेहता को ठाणे जेल में रखा गया था। अचानक एक रात हर्षद को सीने में दर्द होने लगा, उसे ठाणे सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 31 दिसंबर 2001 की रात को जब सारी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी तब हर्षद हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहा था। आखिर में रात को लगभग 12:30 बजे हर्षद ने अंतिम सांस ली। जब हर्षद की डेथ हुई तब भी 27 केसेस उसके खिलाफ पेंडिंग थे। इस केस में लास्ट में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि सिटी बैंक, पल्लव शेठ और अजय कायन जैसे दलाल, आदित्य बिरला और हेमंत कोठारी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, कई पॉलिटिशियन और पूर्व आरबीआई गवर्नर वेंकट रमन सहित सभी ने हर्षद मेहता स्कैम में उनकी हेल्प की थी और इस हैवी स्कैम को अंजाम दिया। हर्षद मेहता उस समय 26 करोड़ रुपए का एडवांस इनकम टैक्स भर के इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट
इंडिविजुअल टैक्स पेयर था। हर्षद मेहता को लोग बिग बुल के नाम से भी जानते थे क्योंकि 1991 में बुल रन की शुरुआत उसी ने की थी। केतन पारिक भी उनकी फर्म में ही काम करता था, जिसने भी बाद में भारी स्कैम किया था। हर्षद मेहता ने अपने इस स्कैम से करोड़ों रुपए कमाए थे। आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि उसके पास उस जमाने में एक आलेशान पेंट हाउस था जो कि वर्ली के टोनी सेक्टर मुंबई में था। इसमें एक मिनी गोल्फ कोर्स और एक स्विमिंग पूल भी था। यह पेंट हाउस बिल्कुल समुद्र के सामने 15,000 वर्ग फुट में चारों तरफ फैला हुआ था। हर्षद मेहता के पास टोटल 15-20 कार्स भी थी, जिसमें लेक्सस LS 400, टोयोटा कोरोला और टोयोटा शेरा सहित कई लग्जरी कार्स शामिल थी, जो कि उस समय अमीर लोगों के पास भी नहीं होती। इस समय मिस्टर राधाकृष्ण दम्बानी, आशीष कचोलिया और रामदेव अग्रवाल सहित कई इन्वेस्टर्स ने छप्पर फाड़ कर पैसे कमाए थे। हमने इनकी सक्सेस स्टोरी और पोर्टफोलियो पर भी वीडियो बना रखा है। आप इन वीडियोस पर क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए।